नमस्कार। आज श्री रामचरित मानस अनुभूति कार्यक्रम का 24वां दिन है। आइए गुरु मंत्र से शुरू करते हैं। गुरुरेव गति गुरुमेव भजे गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे न गुरो परमं शिशुरस्मि गुरोः मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरु। रामचरितमानस अनुभूति कार्यक्रम उत्तरकांड दिवस 24 मंगलाचरण होगा। राम जी का अयोध्या आगमन प्रसंग होगा। श्री राम राज्याभिषेक और राम राज्य का वर्णन होगा। शिव सानकादिक द्वारा श्री राम जी की स्तुति होगी। सौभाग्य है राम कथा। थैंक यू गॉड फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स। हम आपके समक्ष उपस्थित हैं। चलिए तो 24वें दिन सुखासन संयम ध्यान धारणा करते हुए हमें राम जी के किस रूप को सोचना है। ये है राम दरबार। आज राज्याभिषेक होगा। राम जी अपने राज सिंहासन पर अयोध्या में आसीन हो रहे हैं। कैसे राम दरबार सज रहा है, कैसे सारे देवता जो है अपने अपने विमानों में पंक्तिबद्ध होके खड़े हैं। हनुमान जी प्रत्यक्ष राम जी के सामने हैं। और देखिए भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न क्या झांकी है। भगवान शिव नजर आ रहे हैं, है ना। तो ऐसे राम दरबार की कल्पना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। मंगलाचरण आज का गाते हैं। ओम वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तःस्थमीश्वरम्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। श्रीगुरुचरणसरोजरज निजमनुमुकुर सुधार बरनउ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चारि। म्यूट है। कथा प्रारंभ होत है सुनो वीर हनुमान राम लखन सिया जान की सदा करें कल्याण सियावर राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। मंगलाचरण होगा। अयोध्या में राम जी आ रहे हैं। 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अवधि पूर्ण हो गई है। भरत एक दिन बाकी है। भरत की विरह देखेंगे भरत हनुमान जी। तभी सोच रहे हैं भरत जी, चिंतित हैं, भगवान ने मुझे भुला दिया, क्या हुआ, मुझे कितना पापी समझा होगा। इस तरह के विचारों में डूबे हैं। जटाएं लगी हैं, तापस वेश है, बिल्कुल वनवासी की तरह से 14 वर्ष बिताए हैं राजकाज देखते हुए। तो उसी समय हनुमान जी जो है आ टपकते हैं और खुशी का समाचार सुनाते हैं। पूरी अयोध्या में आनंद हो जाता है। और राम जी उधर विमान से अपनी जन्मभूमि अयोध्या का दर्शन वर्णन करते हुए आगे बढ़े चले आते हैं। भगवान राम का स्वागत कैसे होता है, ये दीपावली का जो त्योहार शुरू हुआ ना, तो अयोध्या वासियों ने राम जी का स्वागत किया था दीप जला के, दीप माला। तो ये जो है तो आज अयोध्या की दिवाली होने वाली है। अंधेरी अमावस्या की रात्रि जो है ना, जगमगाती रात्रि हो जाएगी। देखिए विमान की लैंडिंग के लिए क्या उजाला कर रहे हैं, है ना। तो
पथ प्रदर्शन होगा, तो राम जी का स्वागत होगा, भरत मिलाप होगा, श्री राम के दर्शन का आनंद मिलेंगे, सब लूटेंगे, माताओं से भेंट होगी, अयोध्या वासी खुश है ना। अब राम जी जो सबसे मिलेंगे तो अपने मित्र मंडल का सबसे परिचय कराएंगे, वानर भालू और जितने जो महाबली हनुमान नल नील अंगद विभीषण जी और जितने लोग जामवन जी जो लोग आए हैं सबको मिलवाएंगे और कैसे परिचय कराएंगे जो है अपने मित्र मंडल का, ये हम देखेंगे। तो राम राज्याभिषेक होगा, वेद स्तुति शिव स्तुति सखा सहायकों और वानरों और फिर निषाद की विदाई का समय, 6 महीने बीत गए, आनंद में मगन है, राम राज देख रहे हैं, जाने का कोई नाम नहीं लेता है, तो भगवान बड़ी विनम्रता से कैसे उनसे विदा मांगने का सोचते हैं। तो अंगद का स्नेह बहुत ही ज्यादा, अंगद ने कहा मेरे पिता ने तो आपकी गोद में डाला था मुझे, मुझे क्यों जाने को कह रहे हो, बहुत ही प्यारा है अंगद। तो इस तरह से भगवान का स्नेह कैसे लूटता है। तो फिर जो है पवन पुंज तुम पवन कुमारा सेवहु जाई कृपा आगारा, अब हनुमान जी की विदा कब, हनुमान जी तो सोच ही नहीं सकते कि राम जी के चरणों से अलग हो सकते हैं, तो वो भी कहानियां बड़ी प्रचलित हैं कि कैसे विदा का समय आ गया तो हनुमान जी, जब सारे वानरों को भगवान ने कह दिया जाओ तैयारी करो, हनुमान जी तो चरणों में गिर गए और उठ ही नहीं रहे, रोए जाए रोए जाए। तो फिर भगवान ने उनका प्रेम देके इशारे से बोला कि अच्छा रुको तुम ऐसे। तो ऐसे तो जब सारे वानर जा रहे हैं तो सब विदा करने जा रहे हैं, राम जी भी उनको विदा करने जा रहे हैं थोड़ी दूर तक, तो फिर हनुमान जी थोड़ा और आगे चले जाते हैं सबके साथ विदा हुए तो थोड़ा और आगे जाके, तो उन्होंने जो है सुग्रीव जी को बोला कि मैं थोड़े दिन और भगवान की सेवा करके आता हूँ, हाँ समझ गए ये नहीं आने वाले हैं यहाँ से, ये नहीं हटेंगे। तो उन्होंने कहा पुण्य पुंज तुम पवन कुमारा सेवहु जाई कृपा आगारा, तुम जाओ राम जी की सेवा करो, लेकिन कभी कभी हमारी याद दिला दिया करना भगवान को। तो इस तरह से ये विदाई होती है। फिर भगवान ने निषाद को बुलाया, अपने मित्र वो भी तो आए थे साथ में, तो राम राज्य देखा अभिषेक देखा, तो फिर उससे भी कैसे अपने मित्र से कैसे विदा लेते हैं वो भी होगा। बहुत संक्षेप में राम राज्य का वर्णन है और सनकादिक की जो कथा है वो बिल्कुल शुरू से चली थी जो राम जन्म कारण में, तो वो सनकादिक जो चारों भाई जो हैं वो आते हैं और राम जी की स्तुति करते हैं वो भी होगी। तो हमारा यहाँ से अब उत्तर कांड प्रारंभ होता है। आपके लिए प्रश्न है कि आप सोचेंगे कि इसका नाम उत्तर कांड क्यों हुआ है ना, तो जैसे लंका कांड युद्ध कांड है, सुंदर कांड सुंदर कांड है, अयोध्या कांड अरण्य कांड किष्किंधा, तो उत्तर कांड का नाम उत्तर कांड क्यों है यह आपके लिए प्रश्न है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री जानकी वल्लभो विजयते। द्वितीय सोपान नहीं है ये, सॉरी ये सप्तम सोपान है उत्तर कांड। उत्तर कांड ओम श्री गणेशाय नमः, श्री जानकी वल्लभो विजयते। उत्तर कांड मंगलाचरण बोलेंगे। केकी कंठा भनीलम सुरवर विलसद्विप प्रपादाब्ज चिन्नम शोभाढ्यम पीतवस्त्रम सरसिज नयनम सर्वदा सुप्रसन्नम पाणौ नारा चापम कपिनिकरयुतम बन्धुना सेव्यमानम नौमीड्यं जानकीशं रघुवरमनिशं पुष्पकारूढरामम्। मोर के कंठ की आभा के समान हरिताभ नीलवर्ण देवताओं में श्रेष्ठ ब्राह्मण भृगुजी के चरण कमल के चिन्ह से सुशोभित भृगु ने जो भृगु मारी लात, ये कहानी है, पता करिएगा कि भृगु ने
क्या कब हरि को लात मारी थी, जो भृगु जी का चरण जो है उनके हृदय पर सुशोभित है। देखिएगा, तो भृगु जी के चरण कमल के चिन्ह से सुशोभित, शोभा से पूर्ण, पीतांबर धारी, कमल नेत्र, सदा परम प्रसन्न, हाथों में बाण और धनुष धारण किए हुए, वानर समूह से युक्त, भाई लक्ष्मण जी से सेवित, स्तुतित किए जाने योग्य, श्री जानकी जी के पति, रघुकुल श्रेष्ठ, पुष्पक विमान पर सवार श्री रामचंद्र जी को मैं निरंतर नमस्कार करता हूँ। कौसलेंद्र पद कंज मंजुलौ, कोमलावज महेश वंदितौ, जानकी कर सरोज लालितौ, चिंतकस्य मन भृंग संगिनौ। कौशलपुरी के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सुंदर और कोमल दोनों चरण कमल ब्रह्मा जी और शिव जी द्वारा वंदित हैं। श्री जानकी जी के कर कमलों से दुलराए हुए और चिंतन करने वाले के मन रूपी भ्रमर के नित्य संगी हैं, अर्थात चिंतन करने वालों का मन रूपी भ्रमर सदा उन चरण कमलों में बसा रहता है। कुंदइंदु दरगौर सुंदरम, अंबिका पतिमभीष्ट सेदिदम, कारुणीक कलकंजलोचनम, नौमी शंकरमनंगमोचनम। कुंद के फूल चंद्रमा और शंख के समान सुंदर गौर वर्ण, जगत जननी श्री पार्वती जी के पति, वांछित फल के देने वाले, दुखियों पर सदा दया करने वाले, सुंदर कमल के समान नेत्र वाले, कामदेव से छुड़ाने वाले कल्याणकारी श्री शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ। हाँ जी, श्री राम जी की अयोध्या आगमन प्रसंग है। अब वनवास की अवधि पूरी हो रही है और भरत की विरह है, अयोध्या में आनंद कब छा जाता है इसकी बात करेंगे। इससे पहले हम सोचते हैं कि भरत जी, उत्तरकांड बहुत खूबसूरत है, राम राज्य बहुत सुंदर है, राम जी का सिंहासनारूढ़ होने का प्रसंग बहुत सुंदर है, और उससे पहले जो भरत मिलाप है ना, वो इतना सुंदर है कि वो स्टील्स द शो जिसको कहते हैं ना, कि वो बहुत प्रिय है, बहुत प्रेम और त्याग और भ्रातृ प्रेम से भरा हुआ है। देखो, सारी शोभा जो है भरत जी पे आके अटक जाती है जिस समय हनुमान जी उनको आके देखते हैं। राम जी ने तो राज आज्ञा का पालन किया, पिता की माता पिता की आज्ञा का पालन किया, लेकिन भरत जी ने वनवास तो स्वेच्छा से ओढ़ा, उन्होंने भ्रातृ प्रेम से ओढ़ा, उन्होंने भाई मेरा भाई वन में, दो भाई मेरे वन में रह रहे हैं और मैं राज सिंहासन पर बैठूंगा, नहीं। तो उन्होंने वो जीवन जो है वो 14 वर्ष अपने भाई के प्रेम से अपनाए हैं। तो ये भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न जो है ना, संसार में भाइयों के जैसा ऐसा उदाहरण कहीं मिल ही नहीं सकता है भाई के प्रेम का। तो वनवास की अवधि पूरी हो रही है, भरत जी विरह में हैं, और जो है इधर अयोध्या के क्या हाल है, राम जी के लौटने की अवधि का एक ही दिन बाकी रह गया, नगर के लोग बड़े आतुर हो रहे हैं, अधीर हो रहे हैं कि अरे आने वाले हैं, क्योंकि एक एक दिन गिन रहे हैं वो लोग, दुबले हो गए हैं स्त्री पुरुष, जहां तहां विचार कर रहे हैं क्या बात है, राम जी क्यों नहीं आए, आज आए, शाम को आए, कल आए, नहीं, आने वाले हैं बिल्कुल। तो ऐसे इतने में सारे सुंदर शगुन होने लग गए, सबके मन प्रसन्न हो गए, नगर में चारों ओर से रमणीक हो गया, मानो ये सबके सब चिन्ह प्रभु के आगमन उनको जना रहे हैं कि आने वाले हैं, राम आने वाले हैं। कौशल्या आदि सब माताओं के मन में ऐसा आनंद हो रहा है जैसे कोई कहना ही चाहता है कि सीता जी और लक्ष्मण जी सहित आ गए। तो ऐसे माताएं आनंदित हो रही हैं, पुलकित हो रही हैं, प्राणों की आधार रूप अवधि का एक दिन शेष रह गया, ये सोचते ही भरत जी का मन डूबा जा रहा है, अपार दुख हुआ,
क्या कारण हुआ कि अभी तक नहीं आए, है ना? प्रभु ने कुटिल जान के मुझे कहीं भुला तो नहीं दिया? अरे लक्ष्मण कितने बड़भागी हैं, धन्य हैं जो राम जी के चरणारविंद के प्रेमी हैं, पूरा समय जो उनके साथ रहे हैं, है ना? उनसे अलग ही नहीं हुए। मुझे तो प्रभु ने कपटी और कुटिल पहचान लिया होगा, इसी से हे नाथ मुझे साथ नहीं लिया। पर प्रभु सेवक का अवगुण कभी नहीं मानते हैं, माफ कर देते हैं, दीन बंधु हैं। और को देखिए, अपने मन से बात करे जा रहे हैं, खुद को समझाए जा रहे हैं, है ना? तो भरत जी की दाहिनी आंख और दाहिनी भुजा बार बार फड़क रही है। देखो, दाहिनी भुजा फड़कना किसी मेल के लिए शगुन माना जाता है। इस शगुन का निर्वाह वाल्मीकि रामायण में और तुलसी रामायण में बड़ी भली प्रकार से हुआ है। ये जो कुदरती संकेत होते हैं ना, ये एक भाषा होती है, तो इसको बहुत अच्छे से निभाया है इन लोगों ने। तो मन में हर्षित हुए, कह रहे मेरे हृदय में ऐसा पक्का भरोसा है कि राम जी अवश्य मिलेंगे, क्योंकि मुझे बड़े शुभ शगुन हो रहे हैं। तो किंतु लेकिन अगर अवधि के बीते मेरे प्राण रह गए तभी तो मैं उनको देखूंगा ना। तो ये जो है, अगर अवधि के बाद 14 वर्ष के बाद मैं जीवित रह गया तो मेरे जैसा तो नीच और अभागा कोई नहीं होगा। सोचिए, वो एक जो वादा किया था ना, जो बात हुई थी, उससे रह के वो कोई कल्पना ही नहीं कर सकते। वो सोच ही रहे हैं कि आना ही होगा। तो इतने में क्या होता है, जैसे ही विरह समुद्र में भरत जी का मन डूब रहा था, उसी समय पवन पुत्र हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धर के, देखिए फिर से भेष बदला और आ गए। हाँ, ब्राह्मण का रूप धर के आ गए, मानो डूब भरत जी को डूबते से बचाने के लिए नाव आ गई। हनुमान जी ने दुर्बल शरीर भरत जी को जटाओं का मुकुट बनाए, राम राम रघुपति जपते हुए और कमल के समान नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बहाते हुए कुश के आसन पर बैठे देखा। तो उन्हें देखते ही हनुमान जी हर्षित हुए, उनका शरीर पुलकित हो गया नेत्रों से, क्योंकि वो तो यही देखना चाहते थे ना कि भरत में, सॉरी, अयोध्या में राम जी की प्रतीक्षा हो रही है क्या, सब कुशल है ना, आ जाए ना वो, तो ये संकेत देने के लिए आए थे, है ना? तो कुछ परिस्थितियां विपरीत तो नहीं है, तो ये सब जानने आए थे। तो खुश हो गए देख के, खुद भी रोने लग गए, मन में बहुत तरह से सुख मान के कानों के लिए अमृत वाणी बोलते हैं। देखिए क्या कहते हैं, हाँ, भरत जी को क्या बोल रहे हैं हनुमान जी आके। श्री राम वनवास की अवधि पूर्ण, श्री राम अयोध्या आगमन प्रसंग, भरत हनुमान मिलन। मंगल पवन मंगलहारी, द्रवम सुदशरथ अचिर बिहारी, जासु बिरह सोचहु दिन राती, रटहु निरंतर गुण गण पाती। रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता, आयहु कुशल देव मुनि त्राता। को तुम तात कहाँ ते आए, को तुम तात कहाँ ते आए, मोहि परम प्रिय बचन सुनाए। मारुत सुत में कपि हनुमाना, नाम मोर सुन कृपा निधाना। दीन बंधु रघुपति कर किंकर, सुनत भरत भेट अति सादर। दीन बंधु रघुपति कर किंकर, सुनत भरत भेट उठि सादर। कपि तव दरस सकल दुख बीते, मिले आज मोहि राम पीरीते। बार बार बूझी कुसलाता, तो कहु देव का सुन भ्राता। एहि संदेश सरिस जग माही, एहि संदेश सरिस जग माही, करि विचार देखेउ कछु नाही। नाहिन तात उरिन मैं तोई, अब प्रभु चरित सुनावहु मोही। कहु कपि कवहु कृपाल गोसाई,
सुमिरहि मोहि दास की नाई, कह कपि कबहुँ कृपाल गोसाई, सुमिरहि मोहि दास की नाई। राम प्राण प्रिय नाथ तुम सत्य वचन ममता, पुनि पुनि मिलत भरत सुनी, हर्षन हृदय समात सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। हाँ जी, कैसे आए कपि? हाँ, कि जिनके विरह में आप दिन रात सोच करते हैं ना, घुले जा रहे हैं, और जिनके गुण समूहों की पंक्तियों को आप निरंतर रटते रहते हैं, वही रघुकुल के तिलक, सज्जनों को दुख देने वाले तथा देवताओं और मुनियों के रक्षक राम जी जो हैं, सकुशल आ गए हैं। तो दुष्टों का वध करने वाले राम जी आ गए हैं। भरत जी ने पूछा, हे तात कौन हो? अरे विप्र वेश में आए थे ना, वरना हनुमान जी को तो वो भरत जी जानते थे। जब हिमालय से बूटी लेकर जा रहे थे, संजीवनी बूटी, तो लेकिन वो तो वेश बदल के आए। अरे कौन हो, कहाँ से आए हो, मुझको इतना प्रिय जो है, कैसे सुना रहे हो? हाँ, तो फिर उन्होंने बताया, पवन का पुत्र, जाति का वानर हूँ, मेरा नाम हनुमान है। तो ऐसे जैसे बोला, क्या कहा, शत्रु को रण में जीतने वाले जो हैं, और जीतकर सीता और लक्ष्मण जी के साथ प्रभु आ रहे हैं, उनका सुंदर यश गा रहे हैं देवता, वाह, तो इतना खुश हो गए जैसे प्यासे को अमृत का अमृत पान कर लिया हो, अपना सारा दुख भूल गए। हाँ, और जो है बहुत खुश हो रहे हैं, मन में जो है आनंद नहीं समा रहा है, आंसू दोनों रोने लग गए। तो इस तरह से जो है हनुमान जी ने कहा, तुम्हारे दर्शन से मेरे सारे दुख दूर हो गए, दुखों का अंत हो गया, तुम्हारे रूप में आज मुझे प्यारे राम जी मिल गए हैं। भरत जी ने बार बार कुशल पूछी, हे भाई, इस शुभ संवाद के बदले में तुमको क्या दूं? हाँ, तो क्या है मेरे पास? हाँ, तो इस तरह से जो है बात हो रही है, और सब जगह आनंद छा गया है। जो राम जी तो उधर आ रहे हैं, अच्छा इधर अयोध्या में आनंद हुआ। अयोध्या में आनंद क्या हुआ, कि भरत जी हर्षित होकर अयोध्यापुरी में आए, और उन्होंने गुरु जी को सब समाचार बताए, क्योंकि वो तो नंदीग्राम में रह रहे थे ना, बाहर अयोध्या से। तो फिर राजमहल में एकदम खबर फैल गई, आ रहे हैं, माताएं उठ के दौड़ी। भरत जी ने प्रभु की कुशल कहकर सबको समझाया, नगर निवासियों ने समाचार पाया तो सब जो खुशी की लहर छा गई, और दूध दही दूब गोरोचन फल फूल मंगल मूल नवीन तुलसी दल सब भर भर के जो है सजावट और पूजा का तैयारी चलने लग गई। जो है मंगल गीत गाए जा रहे हैं, सौभाग्यवती स्त्रियां मंगल गीत गाती हुई चली, जो जैसे जहां जिस दिशा में है वो वहीं से उठ दौड़ते हैं। भाई एक दूसरे पूछते हैं, तुमने खबर सुनी, रघुनाथ जी को देखा है? तो ऐसे जो है अयोध्या में आनंद छा गया है। और उधर राम जी जो है कैसे अपनी, देखिए जब लंका से चले थे ना, विभीषण ने कहा था कि थोड़ा तो रुकिए यहाँ, है ना, ये सब आपका है, आपने लंका को जीता है। तो उन्होंने कहा कि मुझे अपनी मातृभूमि की याद आ रही है, जन्मभूमि पुकार रही है मुझे, और भरत से मिलना है मुझे, वो प्राण धारण नहीं करेगा। तो अब जो आ रहे हैं, तो रास्ते में देखिए क्या क्या होता है वर्णन राम। हां जी, सुनाना जी। सुनी कपीस अंगद लंके सा, पावन पुरी रुचिर यह देसा। मैं चल एक दे, मिनट चेक कर लूं। ओके देख लीजिए। हाँ, क्योंकि मुझे याद है कि हमने शायद गाया था, लेकिन यहाँ पे एक मिनट चेक कर रही हूं मैं। श्री राम अयोध्या आगमन प्रसंग, श्री राम अयोध्या आगमन प्रसंग, भरत मिलाप। चलिए भरत मिलाप पे चलते हैं। अच्छा, चलिए भरत चलिए, चला मिलाप दीजिए, चला दीजिए। चला दूं? अच्छा हाँ जी, ठीक है, वो हम पढ़ दें क्या? ठीक हाँ मैं पढ़ दूंगी बाद में। है, ओके।
अजीव लोचन सवत जल तन ललित कुल कावली बनी अति प्रेम हृदय लगाई अनुजही मिले प्रभु त्रिभुवन धनी प्रभु मिलत अनुजही सोहमो पही जाति नहीं उपमा कही जनु प्रेम अरु सिंगार तनु धरी मिले बर सुषमा लही बूझत कृपानिधि कुशल भरत ही बचन बेगी न आवई सुन सिवा सो सुख बचन मन ते भिन्न जान जो पावई अब कुशल कौशल नाथ आरत जानी जन दर्शन दियो गुणत बिरह वारी कृपा निधान मोई कर गई लयो। हाँ जी, तो राम जी पुष्पक विमान में से सारा रास्ता बताते हैं कि ये यमुना नदी है, ये गंगा नदी है, यहाँ हम रुके थे, यहाँ पूजा करी, यहाँ सारा जो है मार्ग बताते हुए, जन्मभूमि ये हमारी सुहावनी जन्मभूमि है ना, सरयू नदी है जिसमें स्नान करने से मनुष्य बिना ही परिश्रम मेरे सामीप्य प्राप्त करता है मेरा, तो यहाँ के निवासी मुझे बहुत प्रिय हैं, ये पूरी सुख की राशि, ये अयोध्यापुरी का वर्णन कर रहे हैं, वहां से भरद्वाज जी के आश्रम से जब आगे आते हुए, तो फिर भरत जो मिलाप है, राम जी का स्वागत कैसे होता है, हाँ कृपा सागर राम जी ने सब लोगों को आते देखा तो प्रभु ने विमान को नगर के समीप ही उतरने की प्रेरणा दी, तब पृथ्वी पर विमान उतरा, विमान से उतर कर प्रभु ने पुष्पक विमान को कुबेर के पास वापस भेज दिया, और अयोध्यापति राम से भेंट करने भरत जी के साथ लोग आए, रघुवीर के वियोग से सबके शरीर दुबले हो रहे हैं, प्रभु ने वामदेव वशिष्ठ और मुनि श्रेष्ठों को देखा तो उन्होंने धनुष बाण पृथ्वी पर रखकर छोटे भाई लक्ष्मण सहित दौड़कर गुरु जी के चरण कमल पकड़ लिए, और वशिष्ठ जी ने उठाकर उन्हें हृदय से लगाकर कुशल पूछी, तो आगे जो है भरत मिलाप आपने पढ़ा, बहुत ही सुंदर मार्मिक, आंसुओं से भीगा हुआ, अब जो है राम जी माताओं से भेंट करते हैं, राम जी का दर्शन जो दर्शन आनंद है, प्रभु को देखकर अयोध्यावासी सारे हर्षित हो गए, वियोग से उत्पन्न सब दुख नष्ट हो गए, सब लोगों को प्रेम विवल और मिलने के लिए आतुर देखकर खर के शत्रु राम जी ने एक चमत्कार किया, क्या चमत्कार किया जी, उसी समय जैसे रास लीला में देखते हैं ना भगवान कृष्ण ने, ये ईश्वर की लीला है, उस समय हर व्यक्ति को राम जी के दर्शन का आनंद हुआ, तो ये है क्या है वास्तव में, भगवान तो हमारे हृदय में रहते हैं ना, हम जब मर्जी उनका दर्शन करें तो सबको दर्शन का आनंद मिला, और जो है क्षण मात्र में सबसे मिल लिए, हाँ और शिव जी कहते हैं हे उमा ये रहस्य किसी ने नहीं जाना, इस तरह से शील और गुणों के धाम राम जी सबको सुखी करके आगे बढ़े, तो अब माताओं से भेंट होती है, कौशल्या आदि माताएं ऐसे दौड़ी मानो नई ब्याही हुई गाय जो है अपने बछड़ों को देखकर दौड़ती हैं, प्रभु ने अत्यंत प्रेम से सब माताओं से मिलकर उनसे सब प्रकार के कोमल वचन कहे, वियोग से उत्पन्न भयानक जो विपत्ति जो है वो दूर हो गई, 14 वर्ष का समय ऐसा लगा कि था ही नहीं, हाँ और सबने भगवान से मिलकर उनके वचन सुनकर अगणित सुख और हर्ष प्राप्त किए, सुमित्रा जी अपने पुत्र लक्ष्मण जी की श्री राम जी के चरणों में प्रीति देखकर प्रीति जानकर उनसे मिली, बहुत लाड आया, राम जी से मिलते समय कैकेयी जी हृदय में बहुत सकुचा रही हैं, लक्ष्मण जी भी सब माताओं से मिलकर आशीर्वाद पाकर हर्षित हुए, हाँ
कैकेयी जी से बार बार प्रभु मिले परंतु उनके मन का क्षोभ नहीं जाता है। तो जानकी जी सब सासुओं से मिली और उनके चरणों में लगकर अत्यंत हर्ष हुआ, है ना, आशीर्वाद मिल रहे हैं, झड़ी लग गई आशीर्वादों की। तो सारी माताएं रघुनाथ जी का कमल जैसा मुखड़ा देख रही हैं। देखिए जो इतने समय के बाद मिलते हैं ना, तो कुछ बोलने को नहीं है, बस मुख का आदान प्रदान हो रहा है ना। तो अनेक प्रकार से न्योछावर करते हैं, हृदय में परमानंद हर्ष भर रहे हैं। कौशल्या जी बार बार कृपा के समुद्र रणधीर रघुवीर जी को देख रही है और बार बार विचारती हैं कि इन्होंने इसने लंकापति रावण को कैसे मारा होगा, है ना, दशशीश रावण। हाँ, तो बड़े बड़े भारी योद्धा और बलवान, बहुत महान बलि थे। तो लक्ष्मण जी और सीता जी सहित प्रभु राम जी को माता देख रही हैं, उनका मन परमानंद में मग्न है और शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। अब जो है, अब राम जी आगे आओ आओ अपने मित्रों को आगे बुलाते हैं। हाँ, और उनका कैसे परिचय कराते हैं, बहुत सुंदर शब्द हैं, इनको हम गाएंगे। श्री राम अयोध्या आगमन राम जी के द्वारा अपने मित्र मंडल का सबसे परिचय कराना। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी पुनि रघुपति सब सखा बुलाए मुनि बदलागहु सकल सिखाए गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे इनकी कृपा तनुज रन मारे ए सब सखा सुनहु मुनि मेरे भये समर सागर कह मेरे ए सब सखा सुनहु मुनि मेरे भये समर सागर कह मेरे मम हित लागी जनम इन्हारे भरतहुँ ते मोहि अधिक पियारे मम हित लागी जनम इन्हारे भरतहुँ ते मोहि अधिक पियारे हाँ जी, मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी सारे सखाओं को बुलाया और सबको सिखाया कि मुनि के चरणों में प्रणाम करो, है ना। ये सब गुरु, देखिए ये हमारी परंपरा है कि अगर एक स्थान पे 10 लोग बैठे हैं ना गांव में, ये है कि जो सबसे बड़ा होता है ना उसको सबसे पहले प्रणाम करते हैं। तो ऐसे सीनियोरिटी से प्रणाम करते हैं, तो जो है पैर छूते हैं, क्योंकि तो रघुनाथ जी ने भी गुरु जी के चरणों में गिराया सबको कि अरे गुरु जी को प्रणाम करो, और ये हमारे कुल भर के पूज्य हैं, इन्हीं की कृपा से रण में राक्षस मारे गए हैं, है ना। फिर गुरु जी से बताया, हे मुनि सुनिए, ये सब मेरे सखा हैं, ये संग्राम रूपी समुद्र में मेरे लिए बेड़े जहाज के समान हुए, मेरे हित के लिए इन्होंने अपने जन्म तक हार दिए, जान लगा दी दांव पे, है ना, और अपने प्राणों तक को होम दिया, ये मुझे भरत से भी ज्यादा प्रिय हैं। तो देखिए कैसे अपने सखाओं का आभार भी व्यक्त कर देते हैं और सबकी दृष्टि में उन उनका जो है महत्व जो है उनका बता देते हैं राम जी। तो अब राम राज्याभिषेक प्रसंग होगा, सारे भगवान के वचन सुनकर सारे प्रेम में मग्न हो गए और इस प्रकार पल पल जो है नए नए सुख मिल रहे हैं। सब लोगों ने कौशल्या जी के चरणों में प्रणाम किया, कौशल्या जी ने हर्षित होकर उन्हें बहुत आशीर्वाद दिया उन सारे सखाओं को कि तुम मुझे रघुनाथ के समान प्यारे हो। आनंद कंद राम जी अपने महल को चले, आकाश से फूलों की वर्षा हो रही है, नगर के स्त्री पुरुषों के समूह अटारियों पर चढ़कर उनका दर्शन कर रहे हैं, तरह तरह के शुभ शगुन हो रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं। हाँ, शिव जी कहते हैं कि प्रभु ने जान लिया कि माता कैकेयी लज्जित हो गई हैं, इसलिए पहले उनके महल में गए और उन्हें समझा बुझाकर बहुत तरह से सुख दिया। फिर श्री हरि ने अपने महल को गमन किया। तो यहाँ राम राज्याभिषेक हो रहा है, इधर गुरु जी ने ब्राह्मणों को बुलाया और कहा कि राम जी का अभिषेक के लिए संपूर्ण ये सारे जगत को आनंद देने वाला है,
बिना विलंब किए राज तिलक करना चाहिए। तो तुरंत सारे तो तैयार ही थे, वो तो एक एक दिन गिन रहे थे कि कब आ रहे हैं, कब हम राम को राजा राम देखेंगे ना, है ना। तो अवध में राम आए हैं, राजा राम आए, तो ऐसे जो है अवध के राजा राम को सब देखना चाहते हैं। और सब सुमंत्री जी चले, सब कुछ जो जो कहा था सारी तैयारी पूरी, अयोध्या दुल्हन की तरह सज गई, पुष्पों की वर्षा, है ना। तो सारे सेवक जहां तहां दौड़े जा रहे हैं, सुग्रीव आदि सब सबने स्नान मज्जन वगैरह करके सब तैयार हुए। हाँ, तो फिर जो है राम जी ने अपनी जटाएं खोली, गुरु जी की आज्ञा मांग कर स्नान किया, आभूषण धारण किए, सुंदर सुशोभित अंगों को सुंदर वस्त्रों आभूषणों से सजाया। तो है इधर सासुओं ने जानकी जी को आदर के साथ तुरंत ही स्नान करा के उनके अंग अंग में दिव्य वस्त्र आभूषण पहनाए। देखिए राजोचित रूप में उनको लाया जा रहा है। काकभुसुंडी जी कह रहे हैं कि हे पक्षीराज गरुड़, अब देखिए अब यहाँ उत्तर कांड में काकभुसुंडी जी प्रकट हुए हैं। पहला वार्तालाप हमारा याज्ञवल्क्य और भारद्वाज जी का शुरू हुआ था, ठीक है, और दूसरा उसके तुरंत बाद कथा सुनानी शुरू करी शिव जी ने, जब पार्वती जी का जन्म हुआ, विवाह हुआ, उसके बाद शिव जी ने राम कथा सुनानी शुरू करी। अब उत्तर कांड में अब ये वेला आई है कि चौथा जो जोड़ा है, तुलसीदास जी तो पहले पद से सुना रहे हैं, चौथा जोड़ा जो है काकभुसुंडी जी और गरुड़ जी, ये उत्तर कांड में बड़े प्रोमिनेंट वो हैं श्रोता वक्ता। तो अब काकभुसुंडी कहते हैं, हे पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए, उस समय ब्रह्मा जी शिव जी और मुनियों के साथ विमानों पर चढ़ चढ़कर आनंद कंद जो है भगवान के दर्शन करने के लिए आए थे। तो फिर अब जो है वो उन्होंने भी वो दृश्य देखा है, वो भी उसके साक्षी हैं, इसलिए वो बता रहे हैं, है ना। जानकी जी को साथ रघुनाथ जी को देखकर मुनियों का समुदाय बहुत हर्षित हुआ। तो इस तरह से जो है अभिषेक हुआ, जो है बहुत सारे दान दिए गए, वस्त्र आभूषण भेंट किए गए, याचकों को जो है ना याचना मुक्त कर दिया गया। हाँ, तो इस तरह से जो है सीता जी सहित सूर्य वंश के विभूषण राम जी जो है आसीन हुए, सिंहासन आरूढ़ हुए। तो हे पक्षीराज गरुड़ जी, वह शोभा समाज और सुख हमसे मुझसे कहते नहीं बनता, है ना। तो जो है काकभुसुंडी सुनिए, तब शिव जी वहां आए जहां रघुवीर थे और गदगद वाणी से स्तुति करने लग गए। क्या स्तुति करते हैं, चलिए हम स्तुति गाएंगे। ये देखिए ये देवताओं की जो है कतारों की कतारें, है ना, कैसे सज्जित होके ये आ रहे हैं। ये किसी ने देखिए भक्ति पूर्वक की कल्पना से ही जो चित्र बनाया है, तो अगर हम अपनी कल्पना में करेंगे तो बहुत सारा दिखाई देगा, पूरी अयोध्या का उत्साह, और वो हम अपनी कल्पना से भी देख सकते हैं। तो चलिए भगवान शिव की जो स्तुति है बड़े मजे में पूरा मन से गाइए ऊंचे स्वर में। श्री राम राज्याभिषेक प्रसंग भगवान शिव कृत श्री राम स्तुति। जय राम रमा रमनम समनम। जय राम रमा रमनम समनम भवताप भयाकुल पाहि जनम। जय राम रमा रमनम समनम भवताप भयाकुल पाहि जनम। अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मागत पाहि प्रभो। जय राम जय जय राम जय राम जय जय राम। दस शीस विनाशन बीस भुजा कृत दूरी महामहि भूरि रुजा। रजनी चर वृंद पतंग रहे
पर पावक तेज प्रचंड दहे महि मंडल मंडन चारु तरम धृत सायक चाप निषंग बरम मर मोह तम पुंज दिवाकर तेज अनि जय राम जय जय राम जय राम जय जय राम मन जात की रात निपात किए मृगलोक कुभोग सरे नहिए अतिनाथ अनाथ निपारी हरे विषया बन पावर भूलि परे बहु रोग वियोग निलोग अवदंत्रि निरागर के फलए भव सिंधु अगार परे नरते पद पंकज प्रेम नचे करते जय राम जय जय राम जय राम जय जय राम अति जिनके पद पंकज प्रीति नहीं अवलंब भवंत कथा जिनके प्रिय संत अनंत सदा तिनके नहीं राग न लोभ न मान के समवै भववामी परा एहि ते तव सेवक होत मुदा मुनि त्यागत जोग भरोस सदा जय राम जय जय राम जय राम जय जय राम करी प्रेम निरंतर ने मलिए पड़ पंकज सेवक शुद्ध हिये सममानी संत सुखी विचरन्ति मही मुनि मानस पंकज भृंग भजे रघुबीर महारण धीरजे तव नाम जपामि नमामि हरि भवरोग महागदमान हरि जय राम जय जय राम जय राम जय जय राम गुणशील कृपा परमायतनम् प्रणमामि निरन्तर श्रीरमणम् रघुनन्दन कन्दयद्वन्द्वघनम् महीपालविलोकय दीनजनम् जय रामारमणम् समनम् भवतापभयाकुलपाहि जनम् जय राम
समनम भवतापभयाकुल पाहि जनम। जय राम जय जय राम जय राम जय जय राम। क्यों सुनैना जी, बहुत सुंदर। हाँ जी, 6 महीने बीत गए, पता ही नहीं चला, राज्याभिषेक हो गया। वानर सब ब्रह्मानंद में मग्न है, प्रभु के चरणों में सबका प्रेम है। उन्होंने दिन जाते नहीं जाना और बात की बात में 6 महीने बीत जाते हैं। उन लोगों को अपने घर भूल ही गए, जागृत की तो बात क्या, उन्हें सपने में भी घर की याद नहीं आई। देखिए, जैसे संतों के मन में दूसरों से द्रोह करने की बात कभी नहीं आती ना, तो ऐसे उनको अभी कभी घर याद ही नहीं आए उस समय। तो तब श्री रघुनाथ जी ने सब सखाओं को बुलाया, हाँ, और सबने आकर आदर से सिर नवाया। बहुत प्रेम से राम जी ने अपने पास बिठा लिया और कहा, क्या कहा देखिए, बहुत ही कोमल वाणी में उनको क्या बोलते हैं कि तुमने बड़े जो है मेरी बड़ी सेवा की है, मैं तुम्हारी कैसे बड़ाई करूं। मेरे हित के लिए तो तुम लोगों ने घरों और सब प्रकार से अपने सुखों को त्याग दिया, इससे तुम मुझे अत्यंत प्रिय लग रहे हो। छोटे भाई, राज्य, संपत्ति, जानकी, अपना शरीर, घर, कुटुंब, मित्र, ये मुझे सब प्रिय हैं, परंतु तुम्हारे समान प्रिय नहीं, तुम उनसे ज्यादा हो, है ना। तो मैं झूठ नहीं कहता, ये मेरा स्वभाव है, सेवक सभी को प्यारे लगते हैं, ये नीति का नियम है। तो ये पर मेरा तो दास पर स्वाभाविक ही विशेष प्रेम होता है। ये बोल रहे हैं, हे सखाओ, अब सब लोग अपने घर जाओ, वहां पर दृढ़ नियम से मुझे भजते रहना। मुझे सदा सर्वव्यापक और सबका हित करने वाला जानकर सबसे प्रेम करना। कह रहे हैं कि तुम जहां जाओगे, जहां रहोगे, मुझको वहां पाओगे, ये कहना चाह रहे हैं, और जाओ, है ना। तो सुनते हैं जब क्या कह रहे हैं। श्री राम राज्याभिषेक प्रसंग राम जी के द्वारा सखा सहायकों वानरों और निषाद की विदाई। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। तुम अति कीनी मोरी सेवकाई, मुख पर केही विधि करो बड़ाई। ताते मोहि तुम अति प्रिय लागे, मम हित लागी भवन सुख त्यागे। अनुज राज संपत्ति बैदेही, देह गेह परिवार सनेही। सब मम प्रिय नहीं तुमहि समाना, मृषा न कहूँ मोर यह बाना। सबके प्रिय सेवक यह नीति, मोरे अधिक दास पर प्रीति। अब गृह जाहु सखा सब, भजेउ मोहि दृढ़ नेम। अब गृह जाहु सखा सब, भजेउ मोहि दृढ़ नेम। सदा सर्वगत सर्वहित, जानी करेउ अति प्रेम। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अचिर बिहारी। हाँ जी, सब जो है भगवान की वाणी सुन के प्रेम मग्न हो गए। हम कौन है, कहाँ है, देह की सुध तो थी नहीं, बावले होके रह रहे थे, है ना। तो प्रभु के सामने हाथ जोड़कर टकटकी लगाए खड़े हैं, देखते ही रह गए कि कैसे कह दिया, क्या कह दिया कि जाओ, है ना। बहुत प्रेम के कारण कुछ कह नहीं सकते। भगवान ने उनका बहुत प्रेम देखा, तब अनेकों प्रकार से उनको ज्ञान का उपदेश दिया, है ना। तो चरण कमलों को ही देखते रहते हैं, तब भगवान ने आते अत्यंत सुंदर, अनुपम सुंदर गहने कपड़े मंगवाए। सबसे पहले भरत जी ने अपने हाथ से सवार कर सुग्रीव को वस्त्राभूषण पहनाए। फिर प्रभु की प्रेरणा से लक्ष्मण जी ने विभीषण जी को कपड़े गहने पहनाए, जो रघुनाथ जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। तो जामन, नील आदि सबको भगवान ने स्वयं सुसज्जित किया। सब अपने हृदय में राम जी के रूप को धारण करके उनके चरणों में मस्तक नवाकर चल देते हैं। बेबस हैं, जाना ही पड़ेगा, है ना। तो अंगद बैठे ही रहे, हिल नहीं रहे हैं, अपनी जगह से हिले ही नहीं। जय
उनका उत्कट प्रेम देखकर प्रभु ने उसको नहीं बुलाया। तब अंगद उठकर सिर नवाकर नेत्रों में जल भरकर और हाथ जोड़कर विनम्र भाव से कहने लग गए कि तात हे सर्वज्ञ, दीनों पर दया करने वाले, मरते समय मेरे पिता बाली ने आपकी गोद में ही मुझे डाला है, तो मुझे कैसे छोड़ सकते हैं। हाँ, तो ये सब मैं माता, देखिए लक्ष्मण की तरह से जिद कर रहा है कि मैं माता पिता स्वामी गुरु किसी को, मेरे तो सब कुछ आप ही है ना। तो ये इस तरह की जो बहुत सुंदर वाणी है, कोई व्याख्या की आवश्यकता नहीं है, आप गाइए, बहुत सुंदर, आपको सब समझ आएगा। रामजी द्वारा सखा सहायकों की विदाई पर अंगद सुग्रीव स्नेह। जय सियाराम जय जय सियाराम जय सियाराम जय जय सियाराम। सुन सर्वज्ञ कृपा सुख सिंधो, दीन दया कर आरत बंधो। मरति बेर नाथ मोहि बाली, गयो तुम्हारे ही कोछे खाली। असरन सरन बिरल संभारी, मोहि जनि तजउ भगत हितकारी। मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता, मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता। जाऊं कहाँ तजी पद जल जाता। तुम बिचारी कहू नर नाहा, प्रभु तजी भवन काज मम काहा। बालक ज्ञान बुद्धि बलहीना, राखहु शरण नाथ जन दीना। अस कही चरण परेउ प्रभु पाही, अब जनि नाथ कहउ गृह जाही। अंगद बचन बिनीत सुनी रघुपति करुणा सीव, प्रभु ठायुर लायउ सजल नयन राजीव। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सु दशरथ अजिर बिहारी। तब सुग्रीव चरण गहि नाना, भांति विनय कीने हनुमाना। दिन दस करी रघुपति पद सेवा, पुनि तव चरण देखियउ देवा। पुण्य पुंज तुम पवन कुमारा, पुण्य पुंज तुम पवन कुमारा। सेवहु जाई कृपा गारा, अस कही कपि सब चले तुरंता। अंगद कहई सुनई हनुमंता, अस कही कपि सब चले तुरंता। अंगद कहई सुनहु हनुमंता, कहउ दंडवत प्रभु सें तुमई कहउ कर जोरी। बार बार रघुनायक ही सुरति करायो मोरी। अस कही चले बाली सुत फिरी आयो हनुमंत। तासु प्रीति प्रभु सन कही मगन भये भगवंत। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सु दशरथ अजिर बिहारी। जय हाँ जी, अब निषाद जी की बारी आ गई। अंगद ने तो बोल दिया, अच्छा जाना तो पड़ेगा, जा रहा हूं, पर बार बार मेरी याद दिलाते रहना, है ना। तो ये ऐसे कह के सब बड़े बेबस होके चल दिया अपने अपने स्थान को। अब निषाद राम जी के सखा की बारी आई है, तो देखते हैं, गाते हैं। राम जी द्वारा सखा निषाद की विदाई। मंगल भवन मंगलहारी, पुनि कृपाल लियो बोली निषादा। दीने भूषण
प्रसादा जाहु भवन मम सुमिरन करे हो मन क्रम वचन धर्म अनुसरे हो तुम मम सखा भरत सम भ्रात सदा रहे उपुर आवत जाता वचन सुनत उपजा सुख भारी परे उचरण भरी लोचन बारी चरण नलिन उर धरी ग्रह आवा प्रभु सुभाव परिजननी सुनावा। कोई फर्क नहीं है जो निषाद और वानर भालू सुग्रीव हनुमान जी के प्रेम और राम सखा मित्र निषाद के भावों में कोई अंतर नहीं है। और राम जी को भी देखिए, जब उनको बोलना होता है ना कि तुम मुझे बहुत प्रिय हो, तो हर समय राम जी ये बोलते हैं कि तुम मम सखा भरत समभ्राता, तुम मुझे भरत जैसे प्रिय हो। तो सोचिए कि कितने प्रिय होंगे राम जी को भरत, और कितने प्रिय होंगे उनकी सखा मंडली जो पुनः पुनः ऐसे राम जी कहते हैं। तो ये राम राज्य का प्रसंग है, मैं चार चौपाई बोलूंगी, कुछ भी उससे अनुमान नहीं होगा। बहुत सुंदर वर्णन किया है कि एक कल्पना है हमारे लिए कि कैसा होगा राम राज्य। राम राज्य आपका टास्क है, तुलसी रामायण में पढ़िएगा, रामचरितमानस में। बहुत सुंदर कि शासन व्यवस्था कैसी हो, राजा कैसा हो, राज्य कैसा हो, प्रजा कैसी हो। बहुत सुंदर पॉलिटिकल साइंस जिसको बोलते हैं ना, कि बहुत सुंदर वर्णन है। और मंत्र मिलेंगे कि कैसा राज्य, हम एक कल्पना कर सकते हैं कि राम जी के राज्य में लोग कैसे हों। तो आज से हम उसको कंपेयर भी करेंगे पढ़ के कि आज हम कैसे हैं, तो हमें क्या क्या चाहिए, क्या क्या कम है, क्या ज्यादा है, तो उसको जो है तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। तो राम राज्य, जैसे गांधी जी ने भी राम राज्य की कल्पना की, हम आज भी अयोध्या में राम जी आए हैं तो राम राज्य की कल्पना करते हैं। तो इसको तुलसीदास जी के सारे शब्दों से ही आप जान सकते हैं। तो ये लेकिन ये मंत्र है, इसको ले लीजिए पहला वाला, ये इसको याद कर लीजिए, और जब आप राम राज्य की कल्पना करेंगे तो ये हमारे लिए मंत्र के समान काम आएगा। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका, सब शोक निवृत्त हो गए। जैसे राम जी आसीन हुए ना, तो उनको भय शोक भय मुक्त तो उन्होंने जगत को वैसे ही कर दिया। अब सारे वो देवताओं के लिए कार्य किया और मनुष्यों के लिए भी, लेकिन जो राज्य पर आसनारूढ़ हुए तो जो है सबको शोक से मुक्त कर दिया। बैर न कर काहू सन होई, कोई किसी से वैर नहीं करता है। राम प्रताप विषमता खोई, राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। तो ये आप पढ़िएगा जो है। अब राम राज्य है, उस समय भी सबने आके स्तुति करी, सनकादिक की स्तुति है, तो ये थोड़ी सी हम पढ़ लेते हैं। चलिए सुनैना जी, जी सनकादिक की कथा हम फिर कनेक्ट करेंगे तो स्तुति कर देते हैं। ठीक है। श्री राम राज्य सनकादिक कृत श्री राम स्तुति। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय भगवंत अनंत अनामय, अनघ अनेक एक करुणामय। जय निर्गुण जय जय गुण सागर, सुख मंदिर सुंदर अति नागर। जय इंदिरा रमन जय भूधर, अनुपम अज अनादि सो भागर। ध्वज
वंद विपति भव भंद विभंजय हृदिवसि राम काम मद भंजय परमानंद कृपाय तन मन परिपूरण काम प्रेम भगति अनबायनी देहु हमै श्री राम मंगल भवन मंगल हारी द्रव सदसरथ अजर बिहारी देहु भगति रघुपति अति पावनि त्रिविध ताप भव दापन सावनी प्रणत काम सुर धेनु कलप दरु होई प्रसन्न दीजे प्रभु यह बरु भव वारिधि कुंभ रघुनायक सेवत सुलभ सकल सुखदायक मन संभव दारुण दुख दारय दीन बंधु समता विस्तारय आस त्रास ईर्षाद निवारक विनय विवेक विरति विस्तारक भूप मौलि मणि मंडन धरनी देही भगति संस्कृति सरितरनी मंगल भवन मंगल हारी द्रव दशरथ अजिर बिहारी। हाँ, ये किस समय की बात है, एक बार राम जी भाइयों के साथ में हनुमान जी को साथ लेकर सुंदर उपवन देखने के लिए गए। वहां सब तरह के वृक्ष फल फूले हुए नए पत्तों से युक्त थे, तो वहां पर मौका देखा और सनकादिक जो है चारों जो है वो आ गए। सनकादिक कौन है, चार हैं, उन चारों के नाम आपको पता करने हैं क्या क्या नाम है, लेकिन वो इकट्ठे रहते हैं, बाल रूप में नजर आते हैं। तो वो जहाँ कथा होती है जैसे नारद जी पहुंच जाते हैं ना, परम भक्त हैं, तो वैसे ही सनकादिक भी पहुंच जाते हैं। तो उन्होंने राम राज्य सुना और मौका देखा कि उपवन में है, तो वहां आके जो है राम जी की स्तुति करी थी। तो इसके बाद जो है अंतः कथा पे हम आ जाते हैं, आज का प्रसंग यहाँ तक है। अंतः कथा में पुष्पक विमान के विषय में जानकारी एकत्रित करनी है, किसका था विमान, रावण की लंका नगरी में कैसे आया, क्या क्या विशेषता थी, सबसे पहले विमानों का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है, सनकादिक कौन है, क्या आपने बाल कांड में जय विजय और सनकादिक से संबंधित राम जन्म के कारण की कथा सुनी थी। कथा ये थी कि सनकादिक चारों एक बारी विष्णु जी के पास आए, तो जय विजय जो है उनके द्वारपाल है, उन्होंने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया, उनका अपमान नहीं किया, तो उन्होंने शाप दे दिया था कि अरे दुष्टो तुम जाके भारी राक्षस बनोगे, हैं? तो वो जय विजयी जाके कौन बने थे पता करिएगा, है ना। तो इस त्रेता युग में जब राम जी आए थे तब वो जय विजय किस रूप में प्रकट हुए थे, ये भी राम जन्म कारण में है, बिल्कुल बाल कांड में शुरू में पहुंच जाएंगे। तो ये कथा हम कह चुके हैं, आप बताइएगा। तो आज के संदर्भ में हमने क्या क्या चीजें ली, राम राज्य की बात करनी है, आज के संदर्भ में राम राज्य के विषय में क्या सोचते हैं, क्या आपके विचार से एक आदर्श पारिवारिक शैक्षिक सामाजिक राजनीतिक और न्याय व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, तो राम राज्य के मापदंडों पर इसको आप पता लगाइएगा। और राजा की आचार संहिता पर कुछ अति आवश्यक मूल्यों की चर्चा करना चाहेंगे कि राजा कैसा होना चाहिए, है ना, प्रजा तो कैसी होनी चाहिए वो तो है, लेकिन राजा की आचार संहिता क्या हो, तो ये इस पर रामचरितमानस एक आदर्श के रूप में हमको देता है। तो खोजबीन में अरे ये वही पढ़ लीजिएगा कि विमान ये कल भी बताया था, अब जिज्ञासा समाधान है। सुनैना जी समय कम है लेकिन एक एक मिनट जरूर दीजिए, हम थोड़ा सुनना चाहें। जी मैम, सवाल तो नहीं है, चंचल जी कह रही हैं कि नॉट अ क्वेश्चन बट आभार फॉर सच अलौकिक सिंगिंग और शिव स्तुति, माँ सरस्वती की आप दोनों पर असीम कृपा है एंड वी श्रोता ऑल्सो फॉर्चुनेट टू गेट दिस अपॉर्चुनिटी लिसनिंग टू इट। थैंक यू सो मच चंचल जी, यू आर राइट, माँ सरस्वती की ही कृपा से हम लोग कर रहे हैं जो कर रहे हैं।
और धन्यवाद। बाकी किसी का हाथ खड़ा तो नहीं दिख रहा है मुझे, अगर कोई कुछ कहना चाहे तो पूछ लीजिए, वरना आज का सेशन यही खत्म करते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और है किसी ने। ज्योत्सना जी, आप क्या कह रही हैं? दीज आर साउंड्स ऑफ। अंजू जी, आप बोलिए प्लीज। साउंड्स आई जस्ट ऑफ माय वांटेड, चाइल्डहुड, ये कहना चाह रही थी ज्योत्सना जी। ठीक है। वो आपका जो सुंदरकांड पारायण हुआ था वो मुझे YouTube में कहीं मिला नहीं। मुझे उसे दोबारा सुनना था पर मुझे कहीं मिला नहीं। तो आपने अपलोड नहीं किया ना व्योम पे ना उधर? नहीं, अपलोड है यूट्यूब पर है। आज के इसके आज का जो वीडियो आएगा इसमें हम लिंक दे देंगे। नहीं, मैं सुंदरकांड पारायण जो हुआ था पूरा जो नहीं, 2.5 घंटे। पारायण की जो 1 नवंबर को हुआ था वो है यूट्यूब पर है, और ओके उसका लिंक आज के जो आज वीडियो आएगा 2-3 घंटे में आ जाएगा, तो उसमें हम दे देंगे लिंक। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। हरिहरन जी, आप बोलिए प्लीज। पूंगो जी, प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ। मिस्टर हरिहरन, आर यू एबल टू? यस। हाँ, सुन, सम्यक अस्ति। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। आपकी गीतम सुंदरम अस्ति। थैंक थैंक यू। यू। आप लोगों की सराहना ने हमारी वाणी में कुछ भी दम नहीं है, लेकिन आपकी सराहना ने हमें इतना उत्साहित किया कि हम गाते ही चले गए, गाते ही चले गए। ठीक है, आज का सेशन हम लोग यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, आभार, प्रणाम। प्रणाम, कल सिया राम, फिर जय मिलेंगे। सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, प्रणाम। धन्यवाद। थैंक यू।